सरकार ने उम्मीद जताई है कि पाम तेल निर्यात पर इंडोनेशिया के प्रतिबंध से उत्पन्न फौरी संकट से निपटने के लिए भारत के पास खाद्य तेल का पर्याप्त स्टॉक है। आज जारी एक बयान में सरकार ने कहा कि देश में फिलहाल खाद्य तेल का करीब 21 लाख टन स्टॉक में है, जबकि 12 लाख टन और तेल निर्यात करने वाले देशों से मई में पहुँचने की उम्मीद है। निर्यात पर प्रतिबंध की वजह से इस कमजोर अवधि से निपटने में ये पर्याप्त होगा। साथ ही पिछले सप्ताह दुनिया के सबसे बड़े पाम तेल उत्पादक इंडोनेशिया द्वारा निर्यात पर अचानक प्रतिबंध लगाए जाने की वजह से लंबे समय तक दाम अधिक रहने के बाद भारत के खाद्य तेल के दाम फिर बढ़ने के आसार हैं। साथ ही वैश्विक स्तर पर भारत में भी पाम तेल का इस्तेमाल केक और तलने से लेकर सौंदर्य प्रसाधन और सफाई उत्पादों तक हर चीज में किया जाता है। हालांकि इस संबंध में सवाल किए जा रहे हैं कि प्रतिबंध कब तक लागू रहेगा, क्योंकि व्यापारिक सूत्रों के अनुसार इंडोनेशिया के पास पाम तेल का काफी स्टॉक जमा है, जिसे पर्याप्त भंडारण क्षमता के अभाव में बेचने की जरूरत है। लेकिन इस घटनाक्रम ने भारतीय खाद्य तेल के बाजार में खौफ पैदा कर दिया है, क्योंकि 8 लाख से 8.5 लाख टन के साथ भारत के वार्षिक खाद्य तेल आयात में पाम तेल का हिस्सा करीब 70% रहता है। इसमें से करीब 45% आपूर्ति इंडोनेशिया करता है, जबकि शेष पड़ोसी देश मलेशिया से आता है। व्यापारिक सूत्रों ने संभावना जताई है कि आपूर्ति के अभाव की वजह से खाद्य तेलों और पाम तेल आधारित उत्पादों के बीच घरेलू दामों में अल्पावधि के दौरान कम से कम 7% से 10% तक का इजाफा हो सकता है। साथ ही इस बीच केंद्र ने कहा है कि पर्याप्त स्टॉक के अलावा घरेलू स्तर पर वर्ष 2021-22 के लिए दूसरे अग्रिम अनुमान के अनुसार सोयाबीन का उत्पादन 1.26 करोड़ टन आंका गया है, जो पिछले साल की तुलना में 6.1 लाख टन से अधिक है। ब्यूरो रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स टीवी। अब नहीं जाना पड़ेगा कहीं, बिग ब्लिस 10 मिनट में लाएगा आपके घर दूध और दही। बिग ब्लिस, खुशियों की अपनी दुकान।